अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं, 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव। और सामीन, आप जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को, सेहत के शोबे के मुख्तलिफ लोगों को अपने शो में इनवाइट करते हैं, आपकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। हमेशा की तरह आप भी शो में हिस्सा ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमें 021-111-000-105 के ऊपर। सामीन, आज ना बहुत ही एक तो मेरा भी पसंदीदा टॉपिक है और आप सबका भी बहुत ही पसंदीदा टॉपिक होता है, तो हम इस पर एक बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल एंड वेट लॉस। और इससे पहले मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूँगी कि जैसे हम कहते हैं ना कि जी गाड़ी का इंजन बिजली या ईंधन के बगैर नहीं चल सकता, इसी तरह हमारा जिस्म भी खुराक के बगैर नहीं चल सकता। जब इंजन को बिजली या ईंधन की सूरत में तवानाई ना मिले तो गाड़ी रुक जाती है। इसी तरह बिल्कुल हमारे जिस्म को अगर तंदुरुस्त, तवाना और अच्छी ग़िज़ा ना मिले तो हम कमज़ोर या बीमार हो जाते हैं। आपके जिस्म को बढ़ने के लिए, अपनी मरम्मत करने के लिए और चाको चौबंद रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए मुख्तलिफ़ ग़िज़ाइत की ज़रूरत होती है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाई, फैट्स, हयातीन यानी वाइटामिन्स और आदनियात पर मुश्तमिल ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। अब ज़रूरत इस बात की है कि क्या हम ये सब चीज़ें खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, किस वक्त खा रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत अहम हैं। और मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि इंसान जो है ना, वो ज़ायके का मोहताज है। हम इस ज़ायके के लिए कुछ भी खा लेते हैं और फिर जो रिज़ल्ट बाद में आता है तो फिर रोते कि क्या हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है सामीन, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मिस अमीना मुजीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हम पिछली दफ़ा भी बहुत ही बेहतरीन शो हमने अमीना के साथ किया, शी इज़ अ न्यूट्रिशन एंड वेट लॉस कंसल्टेंट, होलिस्टिक हेल्थ कोच फ्रॉम डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम अमीना। अस्सलाम वालेकुम अंबर, वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बस आई एम गुड। अमीना, आज बहुत ही अहम आमना आज बहुत ही अहम मौजू है। बिल्कुल। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा खाना पीना ही हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है, तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले हमारे सामीन को आप ये बता सकें कि हम कहते हैं ना जी आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, हेल्दी लाइफस्टाइल, हम कि हम बहुत बातें करते हैं, हर वक्त सुनते हैं जी हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये क्या होता है हेल्दी लाइफस्टाइल? अंबर, ये एक बेसिस है इंसान की सेहत का, हेल्दी लाइफस्टाइल। और इसी में हम लोग कोताहियां कर जाते हैं। अगर यही हम इसी को, इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो हमारी ज़िंदगी सेहतमंद भी होगी और लंबी भी होगी। लंबी ज़िंदगी ख़राब सेहत के साथ तो मज़े वाली बात नहीं है ना। हम सबको अच्छी सेहतमंद लंबी ज़िंदगी चाहिए, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपनी डाइट, सारी बात आ जाती है डाइट, बिकॉज डाइट जो आप खा रहे हैं वही चीज़ आपके अंदर सेल्स, जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, उनको वो पावर कर रही है। अगर उनको पावर नहीं मिल रही उन सेल्स को सही ग़िज़ा से, तो फिर इसका मतलब है कि वो काम करना छोड़ देंगे या सही तरीके से, ऑप्टिमल तरीके से काम ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आ जाती है ग़िज़ा, क्या आपने खाना है। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप गोश्त का इस्तेमाल कम करें। हमारे यहाँ आजकल 25 साल की उम्र में डायग्नोज हो रहा है टाइप 2 डायबिटीज। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस इतना है। जब वो स्ट्रेस इतना जब होता है तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? उसको आप मैनेज करते हैं अच्छी ग़िज़ा से, और जब वो ही नहीं होती तो माइंड बॉडी कैसे कनेक्शन होगा? होगा ही नहीं। बिल्कुल। तो हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी गोश्त का इस्तेमाल कम करें, हम नमक का इस्तेमाल कम, ये मैं बेसिक्स आपको बता रही हूँ। सुबह नाश्ता जरूर करें, सुबह उठते साथ चाय, पहला घूंट चाय का मत लें, और एक ग्लास पानी से शुरू करें। मैं चाहती हूँ कि मैं आज आपके शो के तवस्सुस से बताऊं कि आप एक खुद
एक सिंपल फॉर्मूला अगर लिख लें, जो मैंने मैं आज बातें आपके शो में डिस्कस करूंगी, तो बहुत आसान है कि कल से या आज ही से वो एक नया अप्रोच शुरू कर सकते हैं अपनी सेहत के हवाले से। सुबह अगर पानी पिए, उसके साथ साथ बादाम खाएं, तो उनकी पूरी दिन की क्रेविंग जो होती है ना, चीज जैसे हम क्रेव करते हैं मीठा, हम क्रेव करते हैं और चीजें, कभी फ्राइड चीजें, तो वो क्रेविंग जो है वो बॉडी ऑटोमेटिकली, बॉडी का मैकेनिज्म किक इन कर जाएगा और वो बॉडी आहिस्ता आहिस्ता क्रेविंग जो है वो कम होती जाएगी। तो मैं चाहूंगी कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो इसको गौर से सुने, और अगर वो वेट लूज करना चाहते, देखें असल चीज ये है कि अगर एक्सेस वेट है, वेट ज्यादा है, तो ऑलरेडी आप थके थके महसूस कर रहे हैं, और ऑब्वियसली मूड पे भी असर पड़ता है ना, आधे 50% तो आपका मूड खराब रहता है, बिकॉज आप जब अपने आप को देखते हैं उस कंडीशन में, किसी को नहीं ज्यादा एक्स्ट्रा वेट चाहिए, हर कोई बैटल कर रहा है। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको आपके प्रोग्राम के थ्रू बहुत सी सिंपल टिप्स जो घर में की जा सकती है, जरूरी नहीं है बाजार से चीजें खरीद के की जाए। और आमना मैं ये चाहूंगी कि जब आप सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हमें सब कुछ जब बताएंगी, तो मैं ये चाहूंगी कि जो हमारे सामीन है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो, आपको पता है महंगाई भी बहुत बढ़ रही है, हम हर चीज अफोर्ड भी नहीं कर सकते इस वक्त, तो आप ऐसा डाइट प्लान बताएं या ऐसी चीजें खाने को जिंदगी में बताएं जो हर तबका जो है खा सके। बिल्कुल अंबर, मेरी तो अप्रोच ही बिल्कुल ऐसी है, मैं तो इसमें बिलीव ही नहीं करती ना, मैं इन फैट डाइट्स और कीटो और ये जो आजकल इंटरनेट से निकली हुई डाइट्स, इनमें बिल्कुल बिलीव नहीं करती, बिकॉज ये सस्टेनेबल नहीं है, ये आप गिराते हैं वाटर वेट कम होता है और फिर वापस आ जाता है। बिल्कुल। अच्छा अमीना, आमना हमारे पास, सॉरी मैं आपका नाम गलत नहीं, आमना, ठीक है, आमना मुजीब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हम एक छोटा सा टाइम चेक लेते हैं, ठीक है, टाइम चेक के बाद सामीन आज का शो बहुत अहम है, ठीक है, आज ना हमें ये बताएंगी कि आपको कितना खाना है, क्या खाना है, किस वक्त खाना है, ठीक है, और पूरे दिन में क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकें, चाहे आप ऑफिस में काम करने वाले हों, चाहे आप डायबिटीज के पेशेंट हो, चाहे आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हो। तो आज हम सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन डिस्कस करेंगे, ताकि हम अपने बच्चों को भी वो सिखा सकें, और आने वाले वक्त में जो ओबेसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है उसको हम आज ही अपने आप से वादा करके कंट्रोल कर सकें। स्टे ट्यून्ड विद अस, एक छोटा सा टाइम चेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। 10:50 AM. This time check is brought to you by Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. Main bilkul bhi aapka kya hal hai? घरों में एक जोर होगा, विकटों के गिरने पे इमोशंस का मोड़ होगा, चौका मार सिक्सर मार फेंक दे ग्राउंड के पार, गूंजेंगे नारे घरों से अब बेशुमार। अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में सामीन हमारा ये शो आप सुनते हैं सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, और आज का हमारा शो का एक घंटा डॉक्टर जियाउद्दीन हॉस्पिटल की जानिब से पेश किया जा रहा है, और मिस आमना मुजीब खान हमारे साथ मौजूद है, न्यूट्रिशन एंड वेट लॉस कंसल्टेंट, होलिस्टिक हेल्थ कोच। आमना, होलिस्टिक हेल्थ कोच से क्या मुराद है? होलिस्टिक अंबर बेसिकली कि मैं कोई ये फैट डाइट्स नहीं करती, हमारी जो अप्रोच मेरी जो होती है अपने पेशेंट्स के लिए, जो जो मैं बताती हूँ वो सारा नेचर और होलिस्टिक अप्रोच होती है, मतलब नेचर वाली चीजें जो आप
आपके यहाँ उग रही हैं, जो आपकी अपनी है, ये नहीं कि पैकेट में से चीज निकाल के मैंने कही कि भाई ये खा लो, और बस फूड, नो प्रोसेस फूड, सब कुछ नेचुरल, होलिस्टिक, ऑल इन इन लाइन विद नेचर एंड योर सराउंडिंग्स. ठीक है. अच्छा आमना, हम शुरू करते हैं बजाय, मुझे पता है कि हम डायबिटीज, ओबेसिटी, इन सब की बातें करते हैं, राइट. ठीक है, लेकिन हम लोगों को ना ये नहीं बताते कि यार आपने एग्जैक्टली खाना क्या है, कितने बजे खाना है, उठना कितने बजे, सोना कितने बजे. तो मैं चाहूंगी कि आज आप ना हमें ये बताएं कि हम सुबह उठे हैं, हमें क्या करना है, क्या खाना है, फिर डिफरेंट, उसके साथ साथ आप डिफरेंट लोगों को ऐड करते जाएं, बच्चे हैं तो कैसे करें, ठीक है, खवातीन है घर की तो फिर वो क्या खाएं. तो हम सुबह से लेकर शाम तक की आज रूटीन सेट करते हैं. एक्सेलेंट क्वेश्चन. आई थिंक सबको ये एक गाइडलाइंस बिल्कुल जरूर जानी चाहिए ताकि वो भी अपना एक्शन प्लान फौरन शुरू करें. बिल्कुल. अच्छा, सबसे ज्यादा जो इन सब चीजों का बेस है ना अंबर, वो है आपकी नींद. बिल्कुल. अगर नींद पूरी नहीं है ना तो वो आपके मूड पे भी असर करेगी, आपकी सेहत पे भी असर करेगी, आपके वेट पे भी असर करेगी, आपकी जनरल वेल बीइंग पे भी असर करेगी. तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि रात की नींद कम से कम 8 घंटे तो जरूर करें. पहला उसूल, पहला 110%. 7 घंटे नहीं, अगर 8 घंटे नहीं तो 7 तो करें ही करें. अच्छा, और ये नहीं कि 12 बजे सो गए और 7 बजे उठ गए. कोशिश करें कि 11, 10:30, हमारे यहाँ हर चीज लेट होती है, खाना भी देर से होता है, हमारा एक कल्चरल ये एक चीज है. लेकिन हाँ अंबर, लेकिन थोड़ा सा सेहत के लिए थोड़ा सा तो इंसान करता ही है ना. जैसे हम अल्लाह मियाँ से जब मांगते हैं तो नमाज पढ़ते हैं ना, तो पूछते हैं अल्लाह मियाँ से. तो इसी लिए सेहत के लिए आपको थोड़ी बहुत चीजें अपनी सोच विचार करके थोड़ा एक्शन तो लेना ही है. कोशिश करें कि 11 बजे मोबाइल का साइलेंस करें, उसका मुंह मोड़ें, ताकि वो जो उसकी ब्लू लाइट जो है वो रात को आपको डिस्टर्ब ना करे और आप सोएं. अच्छा, बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि जी हमें नींद आती नहीं है और नींद आने में बड़ी मुश्किल आता है. अच्छा, दो चीजें हैं. एक तो ये कि सोने से पहले कोशिश करें कि हल्दी या दूध का इस्तेमाल करें. अच्छा, अगर वो आपको दूध हजम नहीं होता तो फिर आप रात को कैमोमाइल टी, एक चीज होती है, वो आपकी पूरी नर्व्स को रिलैक्स कर देती है. तीसरी चीज, आई होप कि कोई सुन रहा है ताकि ये सारी चीजें आप नोट हो सकें. तीसरी चीज, मैग्नीशियम का सप्लीमेंट. ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है जो 400 मिलीग्राम्स की एक गोली रात को आप जरूर लें. और उससे क्या होगा कि उससे स्ट्रेस भी कम होता है, उससे नींद भी आती है. जब आपकी नर्व्स रिलैक्स होती हैं तो फिर आपको नींद बहुत आसानी से आ जाती है. और पांचवी चीज, आप अपनी एड़ियों पे गरम कोकोनट ऑयल का मसाज करें, सोने से पहले आप बेबी की तरह सोएंगे. वाओ, सो ब्यूटीफुल. यानी आपने पहला स्टेप बताया कि आपने अच्छी नींद सोनी है. या बिल्कुल. Nice. ये 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं और आई होप के व्यूअर्स ने ये सुनी होंगी और नोट की होंगी. तो हर चीज का जी बेस जो है वो आपकी नींद है. तो शुरू करते हैं कि एक दफा नींद का आपने बैटल जीत लिया तो आप सोचें कि 90% आपकी सेहत ठीक हो गई. बिकॉज आपका मूड, आपकी चिड़चिड़ापन, ये सारा कुछ जो है ना, ये ओवर टाइम अक्यूमुलेट होता जाता है और एक दिन एक वो जो आपका अंदर गुबार होता है, वो बॉल होता है, वो फट जाता है जाके, और उसके असरात फिर अच्छे नहीं होते ना. Perfect. है ना. सो सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले चाय के साथ दोस्ती ना करें. सबसे पहले आप रूम टेम्परेचर पे एक ग्लास पानी पिएं. कोशिश करें कि 2 ग्लास पिएं. अगर 2 नहीं तो मिनिमम 1 ग्लास तो जरूर पिएं. उसके साथ आप 7 बादाम जो रात को आपने भिगोए हो वो आप ले लें. उसके बाद आपने अपना नाश्ता जरूर करना है, जो भी हो, चाहे एक बॉइल्ड अंडा हो, चाहे ऑमलेट हो, बल्कि प्रोटीन आप जरूर लें, बिकॉज प्रोटीन ही तो मसल को बनाती है. तो ये तो वेट गिराने में भी आपको मसल का साथ लेना होगा. और वैसे भी जैसे ही हमारी उम्र ज्यादा होती है, हमें बॉडी मसल लॉस होता है, तो हमें मसल बनाने की जरूरत है. प्रोटीन खाने जी, प्रोटीन बहुत ज्यादा खाने की जरूरत है. जरूरी नहीं है कि गोश्त से आप प्रोटीन लें, प्लांट से, सब्जियों से, दालों से, अंडों से. सो सुबह नाश्ता जरूर करें, चाहे वो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, बिकॉज अगर वो सुबह नाश्ता नहीं करेंगे तो वो क्या जाके
सीखेंगे स्कूल में, क्या कंसंट्रेशन होगी उनकी, कंसंट्रेशन होगी ही नहीं जब तक वो प्रोटीन सुबह नहीं लेंगे। अच्छा, दूसरी बात, सफेद ब्रेड का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करें, और ब्राउन ब्रेड या रोटी चक्की के आटे की या बाजरे की या ज्वार की, इन चीजों से अपनी सुबह की शुरुआत करें। अगर वो नहीं पसंद तो पोरेज का इस्तेमाल करें, लेकिन सुबह का नाश्ता जरूर करें, और नाश्ता करके अपनी चाय या कॉफी जो भी आपने साथ साथ पी सकते हैं, बिकॉज सुबह आपने वो बादाम और पानी पी लिया है ना, तो बस उसके बाद आप अपना नाश्ता करें। नाश्ता एक दफा पेट में जाएगा, वो पहले कोटिंग जो है वो नाश्ते की होनी चाहिए, उसके बाद आप अपना अच्छा चाय पी सकते। बड़ा अहम चीज कवर होगी, इसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, नाश्ता कब से कब तक? आई थिंक बाय 9 o'clock तक नाश्ता आपका खत्म हो जाना चाहिए, 7 to 9 के बीच में आप कर। बिल्कुल, मैं तो कुछ जल्दी ही कर लेती हूँ, आई थिंक मैं तो 6 बजे ही नाश्ता कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर आपका वो रात का भी साइकिल जल्दी है ना, 6 बजे खाना बंद, ये इससे अच्छी बात तो अंबर हो ही नहीं सकती। दैट्स एक्सेलेंट, दैट्स ग्रेट। अब हम ऑफिस जाने वाले, ऑफिस चले गए, बिल्कुल ऑफिस जाने वाले बच्चे स्कूल चले गए। अच्छा, एक और चीज, मैं इसमें स्कूल के बच्चों का लंच बॉक्स भी थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस, बिल्कुल हेल्दी लंच बॉक्स बीच में हम, बिल्कुल हम बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें हम लंच बॉक्स ना ऑफिस के जो हस्बैंड्स हैं, भाई हैं, उनका भी बता देते हैं। तो चले लंच बॉक्स की थोड़ी बात कर लेते हैं, हेल्दी लंच बॉक्सेस की। सो बच्चों के हवाले से मेरी तो गाइडलाइंस यही होंगी कि एक ब्राउन ब्रेड का, बच्चे ब्राउन देख के कुछ घबरा से जाते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उनको समझाएं। अगर हम बच्चों को एडल्ट्स की तरह उनसे बात करें ना और उनको समझाएं, बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, वो समझ जाते हैं। तो उसमें अंडे का सैंडविच, चिकन का सैंडविच, घर का बना हुआ, बाहर का नहीं, ठीक है, और उसके साथ एक फ्रूट या केला जो भी सीजन का है, ये नहीं कि आप बाहर से खरीद के ला रहे हैं फ्रूट, जो एक केला दे दें और एक सैंडविच दे दें, दैट्स अ परफेक्ट स्नैक बच्चों के लिए। और यही ऑफिस वाले भी साथ लेके जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या होता है कि ऑफिस में वो जो स्नैक्स होते हैं वो स्ट्रेट अवे इनटू लंच चले जाते हैं, उनके पास वो स्नैक का वो टाइम नहीं होता, तो वो उनके लिए जो बीच वाला टाइम है, ऑब्वियसली उनको अगर उन्होंने 8 बजे का नाश्ता या 7 बजे का किया हुआ, उनको 11 बजे भूख लगेगी, तो वो वहाँ उनके लिए एक सेब या कुछ थोड़े से अखरोट या बादाम या थोड़े से ये खजूर ले लें, एक खजूर ले लें। बादाम और ये वॉलनट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इनके अंदर वॉलनट्स के अंदर जिंक होती है और आलमंड्स के अंदर प्रोटीन होती है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एकदम इनको इनका पेट भरा भरा महसूस करेगा, और वो जो जिंक की कमी जो हर इंसान में होती है जिसके लिए सप्लीमेंट की जरूरत होती है वो पूरी हो जाएगी। तो 7 अखरोट छिले हुए और 7 बादाम, ये इनको एक छोटे से पाउच में डाल के दे दें, ताकि जब उनको उस वक्त भूख लगे तो वो अपनी ग्रीन टी के साथ, चाय नहीं, एक तो दूध पत्ती और ये जो पाउडर्ड मिल्क की चाय आती है ना ऑफिस में, यही तो तबाही ला रही है। तो प्लीज उनको ये बताएं कि वो वाली पाउडर वाली चाय मत पिए, टी बैग वाली पिए, अलग दूध अलग। इससे बेहतर नहीं है कि उसको ग्रीन टी पी ले, ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कई लोग ग्रीन टी नहीं पीना चाहते और चाय ही पीना चाहते, तो उनके लिए ये पकी हुई चाय पाउडर्ड मिल्क के साथ उस वक्त तो मजे की लगती है, बट वो क्या होता है ओवर टाइम ना वो जाके पॉकेट्स, फैट पॉकेट्स आप क्रिएट करती है आपके पेट में, और फिर उसके अंदर मिठास भी होती है, बिल्कुल वो भी अच्छा नहीं है, बिलावाजा चीनी खा, बिल्कुल। और ये स्वीटनर्स वगैरह भूल जाएं, बिकॉज ये कहने को बेचने को, दीज आर ऑल मार्केटिंग गिमिक्स, कि जी वो प्लांट बेस्ड है, वो वहां से है, ये सब डैमेज करती हैं ओवर टाइम। लेकिन वही बात आ जाती है मॉडरेशन में, कितना आप स्वीटनर ले रहे हैं, अगर 6 दफा ले रहे हैं तो फिर 6 दफा तो वो डिजास्टर ही करेगी, तो आप 2 दफा लें, तो फिर बेसिकली वो अल्टरनेट करें। दूसरा वो, और उनका जो लंच होगा, जो मर्द हजरात है वो एक तो घर की रोटी लेके जाएं, नान जो है वो उसमें सोडा होता है और वो व्हाइट मैदे का होता है, वही असल प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बिकॉज एक तो नान नहीं खाया जाता ना, फिर 2 नान खाए जाते हैं, प्लस जो सालन वगैरह जो मैं ऑफिसेज में देखती हूँ जो आता है उसमें घी तैर रहा होता है, और हमें नहीं पता वो कितना पुराना घी वो इस्तेमाल कर रहे हैं या तेल या जो भी कर रहे हैं। सो बेहतर ये है कि घर की थोड़ी सी दाल, घर की बनी हुई सब्जी और घर की रोटी, बस उसी से नाश्ता करें। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ऑलवेज रिमेम्बर, एक हेल्पिंग लें,
दोबारा प्लेट को भरे ना, मतलब हम अपनी प्लेट में थोड़ी सी सैलेड डालें, थोड़ा सी दाल हो या कोई भी सालन हो और एक रोटी हो, बिल्कुल दही ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो आपने, बल्कि जो हमारी खवातीन अगर ये प्रोग्राम सुन रही हैं, तो आपके लिए अगर आप वेट को बैटल कर रहे हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं, तो ये सबसे बेहतरीन खाना है रोटी दाल और सब्जी, और वो भी घर की। चीट तो हर कोई करता है, बाहर हफ्ते में एक आधा दफा बाहर करेंगे, अभी उससे भी बात करेंगे, हाँ उसमें भी करेंगे। तो आपका ये लंच हो गया, उसके बाद तीन चार बजे, चार साढ़े चार बजे इंसान को भूख तो लगती है, तो थोड़े से चने उबाल लिए, जैसे काले सफेद चने, जैसे हम रमजान में करते हैं, बिल्कुल उसके अंदर थोड़ी सी चने की चाट, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन वो मीठी इमली के बगैर, ठीक है। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा टमाटर प्याज और ये सब डाल लेना, हरी बिल्कुल ये डाल, हाँ बिल्कुल, ये कभी ये डाल दिया, इंसान रोज चने खा के तंग आ जाता है। कभी फ्रूट आजकल सीजन में ऑरेंज है, पपीता है, अमरूद तो खैर बहुत ही लाजवाब फल है, बिकॉज उसमें विटामिन सी होती है, और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी हमें नेचुरल कितनी ज्यादा जरूरत, सप्लीमेंट तो सभी खा सकते हैं, लेकिन ये नेचुरल फॉर्म है और आपके सीजन का है, तो इससे अच्छे बहुत ही जबरदस्त किस्म के न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं अमरूद से। तो अमरूद खा लिया, कभी सेब खा लिया, कभी जो भी सीजन में, कभी पपीता खा लिया, तो एक सर्विंग, मतलब पपीता भी काटा तो एक कप के हिसाब से, उसके क्यूब्स करके एक कप में डालें जितना वो होता है, और उसके साथ ग्रीन टी पी लें, अच्छा खासा पेट भर जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा डॉक्टर, आमी आमना, आप वैसे डॉक्टर ही हैं, जो खाने की बात करें वो भी डॉक्टर ही। अच्छा आमना, ये बताइएगा कि एक दो सवाल आ रहे हैं, वो कहते हैं कि जी ऑफिस में बैठ कर कभी कभी चाय के साथ बिस्किट भी खा लेते हैं, तो क्या वो भी ना खाएं क्या? पता अंबर, बेसिकली देखें, ये मैदे से बने होते हैं बिस्किट, चीनी भरी हुई होती है उनमें, बिस्किट है तो मतलब मैं क्या कहूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि गलत चीज है। हाँ, एक आधा बिस्किट तो ठीक है, लेकिन हम लोग भी वो टिक्की पैक पर जब तक पूरा खत्म ना हो, तो फिर वो सुकून नहीं ना आता। चाय में डबो, बिल्कुल चाय में, आप कोशिश ये करें कि अगर एक बिस्किट खाएं, खा के रुक सकते हैं तो ग्रेट, बहुत जबरदस्त, क्योंकि वो एक मॉडरेशन में खाई जा रही है, एक दिन की चीट अलाउ, एक दिन की, और या उसकी जगह कभी ब्राउन पापा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा आमना, यहाँ रुकना होगा और हमारे पास एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक जी, है जी, जरूर। और आमना की मजेदार बातें हैं, और मुझे लगता है कि मैं तो साथ साथ चार्ट बना रही हूँ, अगर आप नोट नहीं करें तो यू विल मिस इट, ठीक है। अगर वेट लॉस वाकई करना है तो हेल्दी वेट लॉस करें, ताकि वो बढ़े नहीं बल्कि मेंटेन रहे। हमारे साथ ही रहिए, आमना हमारे साथ मौजूद है, आमना मुजीब खान, न्यूट्रिशन एंड वेट लॉस कंसल्टेंट फ्रॉम डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। स्टे ट्यून्ड विद अस। We will be right back after this short commercial break. United College of Physical Therapy is a state-of-the-art educational facility. We provide an environment conducive to learning and reasoning. Our faculty, hospitals, educational facilities and labs provide our graduates a comprehensive learning experience. This enables our graduates to practice as doctors of physical therapy anywhere in the world. We are affiliated with the University of Karachi. For further details, visit our website www.ucpt.edu.pk or call 0318-374-8856. That's why you look well. I'm sorry,
अंबर आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में. आज हमारे साथ सामीन स्टूडियो में आमना मुजीब खान मौजूद हैं, न्यूट्रिशन एंड वेट लॉस कंसल्टेंट डॉक्टर जियाउद्दीन हॉस्पिटल से. हेल्दी वेट लॉस पे बात कर रहे हैं और इतना मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि मेरा इतना फेवरेट टॉपिक है ये. और हेल्दी रहना, सेहतमंद रहना हम सबका, मतलब वो कहेंगे ना जैसे नमाज 5 वक्त की पढ़नी है ना, तो जैसे आमना ने कहा कि भाई अल्लाह के सामने बैठ के दुआ भी करते हैं ना, उसके भी 5 वक्त अल्लाह ने वक्त बनाए, इस तरह खाने पीने की भी वक्त है. सेहतमंद रहना हम सबको ज़रूरी है. अगर आप ज़िंदगी को इंजॉय करना चाहते हैं, अल्लाह ताला की इस नेमत को जो आपने इस दुनिया में आए हैं और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें इस दुनिया में हैं उससे अपने आप को अगर इंजॉय करना चाहते हैं, स्ट्रेस से दूर रहना चाहते हैं, तो आमना की बातों पे अगर आपने फॉलो किया रात की नींद से लेकर अब हम पहुँचे हैं शाम की चाय तक. ठीक है आमना, हमने शाम की चाय एंजॉय कर लिया है. आपने कहा कभी चना चाट खा लें, कभी फ्रूट साथ कभी में खा लें, खा लें कभी नट्स खा लें, कभी घर में बने हुए दही की सॉल्टेड लस्सी पी लें. अगर अगर इट्स वेरी रिफ्रेशिंग और अब तो गर्मियां आ रही है ना. अच्छा दूसरी सॉल्टेड लस्सी स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको ब्लड प्रेशर है तो वो लो सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या उसमें सॉल्ट निकाल के सिर्फ काला नमक डाल सकते हैं और थोड़ा सा जीरा. बिल्कुल. अच्छा आपने एक और चीज में साथ में आपकी एंडोर्समेंट लेना चाहूंगी कि एक्चुअली हम ना डायबिटीज और ना हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को ना भूले नहीं, क्योंकि इस वक्त बड़ी परसेंटेज है. और जो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है इतना अच्छा है, थोड़ा थोड़े मील्स और सब चीजें, ये मुझे लगता है ये उनको भी सूट कर रहा है, वो भी खा सकते हैं. बिल्कुल खा सकते हैं, दाल और रोटी और सब्जी तो उनके लिए परफेक्ट. हाँ और हम हर थोड़ी सी देर के बाद मेटाबॉलिज्म को फीड कर रहे हैं ना. अभी शाम को हमने ये. अच्छा दूसरी मैं आपको एक ड्रिंक बताना चाहूंगी कि हम लोग अमूमन क्या होता है 4:30-4 बजे ऑफिस में बैठे हुए बिल्कुल नींद आ रही होती है और थके थके महसूस करते हैं. अच्छा उसकी बैकग्राउंड वो रात की नींद जब हमने शुरू किया था तो बताया था, लेकिन उसकी एक पिकअप ड्रिंक जो मैं अपने पेशेंट्स को खास बताती हूँ उसकी मैं रेसिपी आपको बताना चाहूंगी. उसमें ये है कि एक नींबू ब्लेंडर में डाला, एक ग्लास पानी डाला, उसमें थोड़ा सा थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा काला नमक और अगर अगर चाहें फ्लेवर पसंद है तो थोड़ा सा जाफरान, ये सारी चीजें और बिल्कुल चुटकी भर शक्कर, ये सारी चीजें डाल के ब्लेंडर में आपने ब्लेंड कर दी. ठीक है उसके बाद आप वो पिए और देखें कि लगेगा कि एक पीछे से एक एनर्जी बूस्टर आ गया. ठीक है और जो ऑफिस जाते हैं वो सुबह सुबह बना के अपने थर्मस में ले जाएं. बिल्कुल बिल्कुल, ये जो एनर्जी बूस्टर्स और ये एनर्जी की जो चीनी से भरी हुई जो ये प्रोसेस्ड फूड्स हैं, ये जब भागते हैं कोई एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो आई डोंट वांट टू, मैं नाम नहीं लेना चाह रही उनका, लेकिन वो जो स्वीटन ड्रिंक्स होती है वो क्या होती है, वो यही होती है, इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं. तो आप यही फ्रेश बनाएं ताकि आपको कोई उसका हार्म ना हो ना कोई. आप इसके अंदर मिंट भी, तो हम कभी मुदिल चाहे फ्लेवर चेंज करने को तो डाल सकते हैं. आप बिल्कुल मिंट डाल सकते हैं. मिंट क्या करता है, आपके पेट को एक कोटिंग दे देता है. आपके पेट में जो ब्लोटेडनेस, जो गैसेस, यही तो करता है. इसमें अदरक है तो आपके पेट को ये ईज कर देता है. तो जो गैस और जो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हर चीज बैठ के बिल्कुल. और वैसे भी हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि जी पेट भरा हुआ रहता है, ब्लोटेडनेस, हजम नहीं हो रहा, गैस भरी हुई है. तो क्यों हम, मैं मेरे इंस्टाग्राम पे एक रेसिपी है जो मैंने बताई थी अपने पेशेंट्स को, वो ये है कि उसमें थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी अदरक पानी में उबालें, उस पानी को थोड़ा थोड़ा करके वक्फे वक्फे के साथ पूरा दिन पिए, आप देखें आपकी गैस सारी चली जाएगी एंड यू एकदम हल्का सा आप महसूस करेंगे. सो गुड ना, आई थिंक ये तो बहुत अच्छी ग्रीन टी जैसी भी हो जाएगी. बिल्कुल, उसमें आप ग्रीन टी भी ऐड कर सकते हैं, बट अगर ग्रीन टी नहीं, आपने कैफीन कंट्रोल कर रहे हैं तो आप सिर्फ पानी में भी उबाल के इसको पी सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल सामीन, और आज हमारे साथ आमना मुजीब स्टूडियो में मौजूद है. सामीन अगर आप भी कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 021-111-0105 के ऊपर. और अगर आप फेसबुक पे हमें लाइव देख रहे हैं तो अगर आप www.
fb.com/hotfm105 पे वीडियो के नीचे भी अपना पैगाम भेज सकते हैं, वरना अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए, hot लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए और 888 यानी 8881 के ऊपर सेंड कर दीजिए। अच्छा हमना जी, हमने चाय, आपने बता दिया कि भाई ऑफिस वाले लोग हैं, इफ दे फील लेथार्ज है, ठीक है, तो आपने ये ड्रिंक साथ ले, राइट, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, वो ये है कि कोशिश करें, आई नो आजकल वर्किंग आवर्स, आजकल हम पूरा हमारा मुल्क इससे गुजर रहा है, ये जो भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो है ना मुल्क में इस वक्त। कॉल शामिल करते हैं। जी सलाम अलैकुम। जी वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम इरफान याकूब है। इरफान अपना रेडियो पीछे से बंद कर दीजिए प्लीज। कर दिया जी। मुझे बेसिकली रोटेशन से आया था, ये पूछना था कि बेसिकली वर्किंग पर्सन ज्यादातर बैठने के ही काम है हमारा, ऑफिस में और गाड़ियों में चलना करना ये सारे मसले फैल में, ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन सिर्फ एक हमारी जो है ना वो एक बैठे बैठ के जैसे मैं नोट करता हूँ कि हमारी टमी जो है वो सिर्फ वही बाहर फील होती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलती रहती है, ठीक है। तो इस सूरत हाल में क्या हमें एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ लेनी चाहिए? ठीक है, बिल्कुल, अभी आमना बताती हैं आपको कि वैसे तो उन्होंने बहुत अच्छी एक ड्रिंक बताई है, आप ऑफ एयर हम उसको दोबारा भी बताते हैं, जो ऑफिस वाले लोग जो सारा दिन बैठे रहते हैं वो भी इसको यूज़ कैसे करें। आमना कॉलर की जो कॉल थी उनका था कि भाई हम बैठे रहते हैं जिसकी वजह से ऑफिस में जैसे आपने कहा कि पेट बाहर आने लगता है, तो ऑफिस में बैठकर कोई एक्सरसाइज भी साथ में कुछ कर सकते? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी उसी की तरफ आ रही थी कि क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं होता और जब बाय द टाइम हम काम खत्म करके घर जाते हैं बहुत देर हो जाती है और भी मसरूफियात होती है जो घर में पूरी होती है, लेकिन हमेशा ये जरूर याद रखें क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप कोई चीज इंजॉय नहीं कर पाएंगे। और अच्छी सेहत के जो लुत्फ हैं मैं चाहूंगी कि सारे सब लोग उसको एंजॉय करें, बिकॉज अच्छी सेहत बहुत आसानी से पाई जाती है और छोटे छोटे बेबी स्टेप्स करके आप अच्छी सेहत, जरूरी नहीं है कि आपको बाजार से सुपरमार्केट से कोई बड़ी सी शॉपिंग करके लाके सेहत के लिए करनी है, आपने थोड़े से स्टेप्स लेने और आप क्या आपका मूड भी अच्छा होगा, जिंदगी खूब एक खुशगवार लगने लगेगी। तो मेरी यही आपसे दुआ है कोई और रिक्वेस्ट है कि आप ये करें। अच्छा आपका सवाल जहां तक वो ये है कि घर ऑफिस में बैठ के डेस्क एक्सरसाइजेस होती हैं और वो आप यूट्यूब पे कुर्सी पे बैठ के अपनी टांगे अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स अगर आगे पीछे उनको करें तो वो हार्ट रेट आपका ऊपर होगा और उसको हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कहा जाता है, जब वो की जाएगी तो मेटाबॉलिक रेट तेज होगा, तो वो सारी चीजें एक चीज दूसरी चीज को सपोर्ट करती है। तो वो अगर आप वो 10 मिनट भी थोड़ी सी अगर आप अपनी डेस्क से उठ के अपने पूरे फ्लोर का एक चक्कर लगा लें और उस चक्कर को हर आधे घंटे के बाद एक चक्कर लगा लें तो आप और ऑफिस आने मतलब लिफ्ट के बजाय आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, आपकी वो जो एक्सरसाइज की जो ड्यूरेशन है वो तो वहीं पे पूरी हो गई, सो आपकी बॉडी रिदम में आ रही है और साथ आप अपने खाने को भी कंट्रोल करें। अच्छा हम शाम के खाने की बात जो डिनर टाइम है, अच्छा कोशिश करें कि जितना जल्दी खाना हो सके और घर का होना चाहिए, घर का तेल का जो इस्तेमाल है वो कम से कम होना चाहिए, कोशिश करें कि कैनोला ऑयल का इस्तेमाल करें और कोई ऑयल ना यूज करें, ऑलिव ऑयल करें, कैनोला ऑयल का इस्तेमाल करें, घी का इस्तेमाल करें लेकिन वो बिल्कुल प्योर घी, और लोग समझते हैं कि जी घी जो है वो बहुत बड़ा डिजास्टर है, लेकिन यही तो बताना चाहती हूँ कि उसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे हमारे ऑर्गन्स को रीजेनरेट करते हैं, रिजुविनेट करते हैं, तो घी एक बहुत बहुत ही, हम तो अपने पेशेंट्स को ये कहते हैं कि एक चम्मच घी जरूर दिन का खाएं, सुबह सुबह पराठा उसका बना लें, बिल्कुल उसके ऊपर बिल्कुल वो जैसे जैम की तरह लगाते हैं वो लगा लें, हाँ या वो ऐसे कहते हैं ना गरम रोटी बना के ऊपर ना उसको चोपड़ लेते हैं, बिल्कुल वो भी बड़े मजे करते हैं, बिल्कुल अंबर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल उस तरह से भी घी की इंटेक जा सकती है, तो साफ तेल से कम उसकी क्वांटिटी इस्तेमाल करें खाना पकाने में और कोशिश करें कि शाम को कोई प्रोटीन ले लें या चिकन ले लें या मछली ले लें या सब्जी ले लें और साथ
हमेशा कोई थोड़ा सैलेड जरूर होना चाहिए सीजन का, या कचूमर होना चाहिए, या वैसे ही थोड़ा सा स्लाइस करके, जैसे आजकल मूली सीजन में है, चुकंदर है, गाजर है, ये सारी चीजें, और थोड़ा ऊपर से आप उसको चाट मसाला थोड़ा स्पाइस अप करके तो सर्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, जैसे आप टेबल पे आए, आपने पहले सलाद से शुरू किया, दो तीन आप वो खीरे या टमाटर या मूली खाएंगे तो पेट ऑलरेडी भरना शुरू हो जाएगा, और फिर आप अपने खाने की तरफ जाए। वन सर्विंग ओनली। अच्छा, कॉल पहले दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बात कर रहे? मैं मोहम्मद सिद्दीक, दोनों बाबू शहर से। जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? जी, मेरा सवाल ये है कि जो गैस का चक्कर है, इसका कोई हल बताएं। किसका? गैस जो हो जाते हैं ना, गैस। अच्छा, गैसेस जो हो जाती है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। आमना, एक बहुत सारे लोगों को गैसेस भी हो जाती है, जैसे आपने कहा ना कि लोगों को गैसेस के इश्यूज होते हैं, तो जो कॉलर थी उनका यही सवाल था। जी, तो मैं ये कहूंगी कि रात को तुख मलंगा 2 टेबलस्पून आधे ग्लास पानी में बिल्कुल सोने से पहले आप पहले डालें, और आधा ग्लास पानी उसको जैसे फूल जाए आप सोने से पहले बिफोर बेड टाइम उसको ले लें। उससे क्या होगा कि आपके पेट के जितने आपकी इंटेस्टाइन्स, आपका जो गट है, वो सारा काम होना शुरू हो जाएगा। जब वो काम होगा तो ऑब्वियसली वो रिलैक्स होगा, और ये सारी जो गैस और ब्लोटेड जैसी जो फीलिंग होती है वो चली जाएगी, और ये एक ये ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। सो ये तुक मलंगा, इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। ये बेसिकली फाइबर ऐड करता है आपकी बॉडी में, और जो चीज आपको फाइबर देती है वो आपके लिए बहुत अच्छी है। इवन आपके जो जाबतीस के पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी है, और कॉन्स्टिपेशन जिनको होती है उनके लिए भी बहुत अच्छी है। सो ये इसका तुक मलंगा तो आराम से मिल जाता है। हाँ, साफ होना चाहिए उसमें, वो उसको वॉश कर लें उसको, और देख लें कि उसमें कोई चीज मिलावट नहीं है, और साफ सुथरा 2 टेबलस्पून उसको आधे ग्लास पानी में। एक और कॉल लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये आपके पास मेरे ख्याल से फिजिशियन आई है या न्यूट्रिशन है। अच्छा, मुझे सिर्फ इससे ये पूछना था, देखिए मैं, मेरे पास जो है ना ट्रेडर मशीन भी है, मैं जो ना मुझे आंखों से नहीं दिखता है, तो मैं ज्यादा बाहर चल नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो ट्रेडर मशीन है, तो ट्रेडर मशीन में कितनी देर करूँ, और मेरी डाइट में क्या होना चाहिए? मैं शुगर का पेशेंट भी हूँ, बीपी का पेशेंट भी हूँ। ठीक है, आपने हमारा हमारा शो शुरू से सुना है? नहीं, मैंने शुरू से नहीं सुना, मैंने अभी भी ट्यून इन किया है दरअसल। okay. अच्छा, दूसरी एक चीज ये कि वाइफ का वेट भी है, तो वो भी वेट कम करना चाहती है अपना, मैं भी वेट तो लूज करना चाहता हूँ, मैंने लूज किया भी है एक वक्त में, मैंने जो है वो अपना 30 kg लूज किया था जब मेरी आईसाइट बेटर थी, जो मैं दौड़ता था हूँ, तो उसमें मैंने किया भी है, उसमें मैंने बहुत एक्सरसाइज भी की है, तो उसके बाद मैंने छोड़ दी, तो फिर उसके बाद वेट डाउन हो गया है मेरा, जो है 91 था और मेरा। बहुत शुक्रिया जी। जी, 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 ठीक है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने वेट वापस लूज करूँ, और उसके लिए मुझे कुछ इजी एक्सरसाइजेस और कुछ इजी चीजें बता दें, या डाइट बता दें, प्लान बता दें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। हमारे पास एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है। वैसे आमना ने हमारा शो सामीन आज सुबह शुरू से अब तक यही था कि हमने सारा दिन क्या खाना पीना है। ठीक है, अब जाहिर है हमारे पास वक्त कम है, हम पूरा डाइट प्लान दोबारा से तो नहीं डिस्कस कर सकते, ठीक है, लेकिन जैसे अभी हमारे सामीन ने कहा कि वो देख नहीं सकते, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी उनके घर वाले अगर उनको मेरे अंबर रजाक के यूट्यूब चैनल या फिर हॉट एफएम 105 की फेसबुक पेज पर इस शो को उनको प्ले करके दे दें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या खाना है। ठीक है, हम छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। We will be right back after this short commercial break. अंबर भी आ जाए, मैं भी बोलते हुए और अजय भी टॉकिंग नहीं।
तरह से ऐसे बात कर रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, शो शुरू करते हैं तो हमारी पिक्चर लेना, क्योंकि दोनों खड़े हैं। शो शुरू करते अंबर आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में। सामीन आज हमारे साथ आमना मुजीब मौजूद हैं स्टूडियो में और हम बात करें कि हमने खाना क्या है। जी आमना, हम रात तक पहुंचे थे, मैं चाहूंगी कि आप ये बता दीजिए कि रात को खाने का टाइम क्या होना चाहिए, कब तक हम खाना खा लें। जितना हम जल्दी खा सकते हैं अंबर, उतना ज़्यादा हमारी डाइजेशन के लिए बेहतर है। हमें कम से कम सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। सो अप्रोक्सीमेटली अगर आप 11 बजे सो रहे हैं तो आप 8 बजे खाना खा लें। अगर आप मतलब 12 बजे सो रहे हैं तो आप 8:30-9 बजे तक खाना खा के बिल्कुल खत्म, आपकी मील खत्म हो जानी चाहिए। 3 घंटे का गैप बहुत जरूरी है और उस गैप में 3 घंटे का रोजा होना चाहिए। आप ये सोच लें, मतलब खाने के और सोने तक कोई चीज सवाए ग्रीन टी के या पानी के या थोड़ा नट्स या फ्रूट के कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी आपको जाके लगेगा कि वाकई मेरा मेटाबॉलिज्म तेज हो रहा है, मेरा पेट, आपको कुछ ही दिनों में, हफ्ते के अंदर अंदर आपका पेट श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। ये 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 एक नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल चीज है। अगर हम उसको सही तरीके से फीड करेंगे और अपनी सेहत को मतलब जो आज हमने स्टेप्स की बात की है उनको फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स भी आएगा, बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसे आपने कहा ना कि अगर हम 7 बजे 8 बजे खाना खा लें और फिर हम जब सुबह 8 बजे तक अपने आप को बिल्कुल फास्ट पे रख देते हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हम इसको काउंट कर सकते हैं ऐसे इस चीज को? वो क्या चीज होती है? सेम यही चीज होती है कि आपने बस जल्दी खाया और फिर फास्ट? वो 14:8 का रेशियो होता है अंबर, मतलब आप आपका जो गैप होता है वो 14 आवर्स का होता है। लेकिन मैं देखिए, मेरी अप्रोच थोड़ी सी फर्क है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज लाइक एनी अदर डाइट, जरूरी नहीं है कि वो आपको सूट करे, राइट? कभी डाइट्स नहीं भी करती सूट, कभी ये एक अप्रोच है। जैसे कीटो एक अप्रोच है, साउथ बीच और जीएम डाइट और ये सारी जो डाइट्स है, ये सारी अप्रोचेस हैं। तो ये भी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एक बहुत एक डायट्री, बिल्कुल एब्सोल्युटली वो डायट्री अप्रोच है। मैं इससे अग्री इतना नहीं करती, बिकॉज मैं मेरी अप्रोच जो ये है वो होलिस्टिक है। मैं आपकी अपनी जो चीजें जो आपके इर्द गिर्द नेचुरल उग रही हैं, आपके शहर की हैं, आपके आपके सॉइल की हैं, वही चीजें आप खाएं, उन्हीं से एम्पावर, आपके सेल्स एम्पावर हो, उन्हीं से आपको अच्छी सेहत आए। बिल्कुल, एक कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंबर, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। एक डॉक्टर साहब तशरीफ लाई थी हम लुबना रजाक नवंबर में, उनका मैंने रिकॉर्ड किया था लेकिन गलती से वॉश हो गया, अगर वो अगले जुम्मे को रिपीट हो जाए तो थैंक्स। एक्चुअली हम उसको दोबारा से रिपीट तो नहीं कर सकते। आमना मुजीब साहब की खिदमत में भी सलाम। वालेकुम सलाम। सुना था कि इनसे मुलाकात करना हो तो कहाँ पे और क्या तरीके से? ठीक है जी, अभी आमना इनको आपको बताती है। आमना आप हमारे सामीन को प्लीज बता दीजिए कि अगर आपसे कोई मिलना चाहे तो क्या तरीका कार होता है, अपॉइंटमेंट क्या है? जी मैं जियाउद्दीन हॉस्पिटल पे बैठती हूँ, क्लिफ्टन कैंपस, और वेंसडे को 3 से 5 और सैटरडे को 11 बजे से 1 बजे तक। और आप मेन नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं 3586-2937 या मोबाइल पे 0300-8200-244 पे। ठीक है, थैंक यू। सामीन आखिर में हम एक दफ़ा फिर नंबर्स रिपीट कर देंगे, आमना से आप मिलना चाहें तो बिल्कुल डॉक्टर जियाउद्दीन हॉस्पिटल में मिल सकते हैं। बिल्कुल आप आमना आपने सही कहा कि जो जितनी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं वही हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। तो एक पानी का इस्तेमाल बड़ा सबसे ज़रूरी है। और कब पानी पीना है, कितना पीना है? मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है आमना कि लोगों को कह दो ना कि जी पानी बहुत पीना है तो वो पानी पीते ही चले जाते हैं, ठीक है? और कुछ लोग तो ऐसे भी जो याद ही नहीं रहता। बट अंबर ज्यादा पानी पीना भी नुकसानदेह है ना, तो बिल्कुल एक इत्तेदाल में हर चीज करनी है। देखिए इट्स ऑल अबाउट मॉडरेशन, कितना आप मॉडरेशन में हर चीज करें। 6 से 8 ग्लास पीने चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी से थोड़ा सा परहेज करें और कोशिश करें कि आधा घंटा खाने से पहले एक ग्लास पानी जरूर पिए, आपकी जो भूख है वो 25% कम हो जाएगी, ठीक है? और रूम टेम्परेचर भी पिए। मैंने सुबह आपको बताया कि 2 ग्लास तो आपने सुबह ही पी लेने हैं,
तो वो आपकी जो जितनी बॉडी के जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, टॉक्सिटी जो रात की सारी आपकी बॉडी में बैठी हुई है, वो सारी फ्लश आउट हो जाएगी। जब वो फ्लश आउट हो जाएगी तो वजन भी आसानी से गिरेगा, सेहत भी अच्छी होगी, और जो चीजें हम बैटल कर सकते हैं, आपको पता है कि टाइप 2 डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारी रिवर्सिबल चीजें हैं आजकल, सब डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल हो जाती है। तो हम क्यों ना इसका फायदा उठाएं, लमिया ने ये सब दिया हुआ है हमें, ये नॉलेज प्रोवाइड की हुई है हमें। सो ट्रू, आई एग्री। एक कॉल लेते जी सामने को। हेलो जी, सलाम अलैकुम। कराची से इब्राहिम बोल रहा हूँ। जी इब्राहिम साहब, अच्छा पूछना ये है कि अभी जो डॉक्टर साहिबा ने वो रात को नींद के लिए हल्दी और दूध का जो फॉर्मूला दिया है, तो उसमें क्या इसबगोल मिला सकते हैं? नहीं जी, उसमें इसबगोल नहीं मिला सकते। इसबगोल आप अलग से पिए। आप कम से कम 1/4 कप दूध, उसको ये पैकेट का दूध नहीं होना चाहिए, ताजा दूध होना चाहिए। इसको आप 2 उबाले दें 1/4 टीस्पून हल्दी के साथ, वो भी प्योर होनी चाहिए। जब 2 उबाले आ जाएंगे, फिर उसमें थोड़ा सा चुटकी भर काली मिर्च जरूर डालें और उसको गरम गरम पिएं। आप देखें कि आपकी जो इम्यूनिटी है, बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है वो भी बढ़ जाएगी, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी सेहत 101% हो जाएगी। आप ये ट्राई करें और इससे आपको नींद भी बहुत जबरदस्त आएगी। और कोशिश करें कि ये जो इसबगोल है उसका, उसको या तो पहले ले लें नीम गर्म पानी के साथ, या आधा घंटे के बाद। एक कॉल देते जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपी। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? आप लालकामा से मुख्तार बात कर रहा हूँ। जी मुख्तार साहब, एक तो ये लालकामा वालों ने अभी कमर्शियल ब्रेक चला दिया है, तो आप, मेरा पेट बहुत बड़ा हुआ है, मेरा वेट है कुल तकरीबन 84 किलो। ठीक है, तो वेट बड़ा, मेरा पेट थोड़ा ना ज्यादा निकला हुआ, तो अभी इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छा ठीक है, चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब एक्चुअली क्या, हम सामीन को धारे एकदम से फोन पे बता देना कि कैसे वजन कम करें, थोड़ा सा कोई और एक समप ये करते हैं, अंबर के कोशिश करें कि हर चीज मॉडरेशन में करें, मीठे का और पैकेट वाली चीजों का इस्तेमाल बहुत कम करें, बाहर से खाना खाना, अगर आप बाहर का खाना कभी कभी खाएंगे आपकी सेहत बिल्कुल जबरदस्त होती भी आपको खुद नजर आएगी, आपकी स्किन भी अच्छी होगी। हाँ। आपकी सेहत भी अच्छी होगी। हाँ। आपका वजन जब गिरेगा तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी। और अगर आप टाइप 2 डायबिटीज या ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके भी असरात आपके सामने होंगे। सो कोशिश करें कि बाहर की ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये जो मीठी ड्रिंक्स है, इनसे थोड़ी सी परहेज करें। कोशिश करें कि मीठा जो है, वर्जिश करें कम से कम 5 दफा हफ्ते में, और आधा घंटा मिनिमम, सिर्फ आधा घंटा अपने लिए वो वक्त जरूर निकालें, बिकॉज सेल्फ केयर जैसी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप आगे अपने लव्ड वंस का ख्याल कैसे रखेंगे? तो बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, आप सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ये याद रखें। एक और कॉल देते जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बिलाल बात कर रहा हूँ कराची से। जी बिलाल साहब, सबसे पहले तो मैं आपके शो को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा टॉपिक सिलेक्ट किया, और इन जनरल FM 105 इस वक्त रियल मायनों में इंफोटेनमेंट जो है वो ऑफर कर रहा है अपने लिसनर्स को। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। कोई सवाल पूछना चाहेंगे? जी सवाल मेरा एक्चुअली में मेरी वाइफ के हवाले से है। वो एक तो वो हाइपोथायराइडिज्म की पेशेंट है, साथ साथ पॉलीसिस्टिक ओवेरी भी सफर कर रही है। ठीक है, तो उनको जो है हालांकि के वो बहुत यानी ट्राई करती हैं कि वेट लॉस करें, कि वेट भी थोड़ा ज्यादा है उनका। ठीक है, तो प्रॉब्लम होती है वेट लॉस करने में, तो वो कर नहीं पाती हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। तो ऐसी पेशेंट इनके लिए, इन स्पेसिफिकली इन जनरल इस टाइप की पेशेंट्स को किस तरीके से वेट लॉस को जो है एड्रेस किया जाना चाहिए? ओके, बिल्कुल आमना, हम इस पे एक मिनट बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे PCOS और इसके बिल्कुल करते हैं। अंबर बेसिकली ये दोनों चीजें हार्मोनल इंबैलेंस है, और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये दोनों बिल्कुल इसको हम बीट कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। अगर थायराइड है भी तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें कोशिश करें कि एक्सरसाइज, चाहे वो
थोड़ी मतलब आहिस्ता आहिस्ता ही की जाए, लेकिन की जरूर जाए ताकि थोड़ा सा हार्ट रेट ऊपर आए. दूसरा उनको कहें कि बाहर की चीजें जैसे भी मैंने डिस्कस की हैं वो बिल्कुल रोक दें, मीठा थोड़ी देर कंट्रोल करें और घर का खाना खाएं, एक हेल्पिंग खाएं, सब्जी दाल खाएं और सब और सैलेड जैसे हमने शुरू में डिस्कस किए, फल सब्जी और सारी और एक्सरसाइज उसके साथ जरूर करें. आप दो हफ्ते में देखेंगे कि वो उनके जो इंचेस हैं वो कम होते जाएंगे. और वो ये जो पीसीओज एक ऐसी चीज है जो मैं कहना चाहूंगी आपके प्रोग्राम के थ्रू कि इनएक्टिव हो जाती है, रिवर्सिबल है. जैसे अभी मैंने बात की टाइप 2 डायबिटीज की, इसी तरह पीसीओज इनएक्टिव हो जाता है. तो जब इनएक्टिव हो जाता है तो वो इसका मतलब है कि ठीक हो जाता है. तो वो इसी तरीके से ठीक होता है जब आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, दही खाएं और सब्जियां खाएं और सीजन की चीज खाएं. बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहा आपने आमना. आई टोटली एग्री. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. यू आर मोस्ट वेलकम. आई रियली एंजॉयड कि इतना अच्छा सा हमने सारी चीजों को कवर किया. आखिर में कुछ कहना चाहेंगे सामीन को सेहत के हवाले से और कैसा लगा शो पे आके, रेडियो की अफादियत पे कुछ कहेंगी? देखें अंबर, रेडियो इतने लोगों को जाता है, इसकी रीच इतनी ज़्यादा है और इतना मैं कहना चाहूँगी कि आप इतना अच्छा एक काम कर रही हैं, एक फेवर टू सोसाइटी. आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें आप जैसे लोग चाहिए जो एटलीस्ट अपनी इस प्रोग्राम के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए रीच आउट कर रहे हैं कि भाई अपनी अपनी हेल्थ का एक्शन ले लो. यू नो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और मैं यही कहना चाहूँगी कि देखें, सफ़र करना कोई अच्छी बात नहीं है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब कर सकते हैं. और हेल्दी लाइफस्टाइल इज द वे फॉरवर्ड. अपने आप का ख्याल रखें और छोटे छोटे स्टेप्स जो आज हमने बात किए, जैसे आज आप एक प्लान कर सकते हैं कि ठीक है आज मैंने ये प्रोग्राम सुना, आज मैं कोशिश करूंगा कि या करूंगी कि मैं पानी का इस्तेमाल शुरू करूंगी. अगर आप लोग पानी नहीं पीते तो आज से आप वो एक चेंज लेके आ सकते हैं, एक बेबी स्टेप. जैसे आप लें, जैसे आप अगर 2 ग्लास पीते हैं तो आप कोशिश करके 4 ग्लास कर लें और फिर इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ द वीक उसको 6 ग्लास कर लें. और वो फिर अगर आप कंटिन्यूसली 2-3 हफ्ते करते रहेंगे तो वो एक हैबिट बन जाएगा. आपको पता है कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर आप इसको एक हैबिट बना सकते हैं. तो इसी तरह सब्जी ऐड करना, वॉक पे जाना, छोटे छोटे स्टेप्स, ऑफिस में लिफ्ट ना लेना, सीढ़ियों से जाना, आप खुद ये छोटी छोटी चीजें करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ और हेल्थ में बिल्कुल 100% फर्क आ जाएगा इंशाल्लाह. वेल सेड, थैंक यू सो मच. हमारे शो में आई और थैंक यू सो मच जियाउद्दीन हॉस्पिटल का भी. आखिर में ना अभी 1 घंटा हमारा शामिल है अभी बाकी, हम मुख्तलिफ टॉपिक पे भी एक और इस पे बात करनी है. हकीम मोहम्मद सईद ने ना खाने के मुतालिक आमना बड़ी एक अच्छी बात की कि आदमी के लिए ना एक नाश्ता और एक खाना ही काफ़ी है. ज़रूरत से ज़्यादा खाना आज़ा को कमज़ोर करता है. इससे एक तो आपकी शरियाने भी सख्त और आपके जो एहसाब हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं. ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर जैसे इमराज पैदा होते हैं जिसके नतीजे में क्या होता है जो हम सब नहीं होना चाहते, हम बुढ़ापे की तरफ जल्दी जाना शुरू. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा. जहां तक काम चलता हो गजा से, वहां तक चाहिए बचना दवा से. ठीक है, खबरों का वक्फा लेते हैं और फिर वापस आते हैं. स्टे ट्यून्ड विद अस. ठीक है जी, आपका शो.